जैसे कि किसी सीट को कॉल करना है तो क्या करेंगे? पहले जान लीजिए, सीट के बेसिकली दो नाम होता है, जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसको बोलते हैं कैप्शन नेम, जो ब्रैकेट से बाहर दिख रहा है प्रॉपर्टी नेम। तो कैप्शन नेम होता है वो सीट, बाहर जो सीट वन सीट टू दिखता है वो होता है। यूजर मान लो इसको जैन कर दिया तो कैप्शन नेम हमारा जैन हो जाता है, पर प्रॉपर्टी नेम को चेंज सिर्फ प्रोग्रामर कर सकता है, वो भी यहाँ से, राइट? हाँ तो अगर मान लीजिए मुझे कॉल करना है तो प्रॉपर्टी नेम से कॉल करना है तो करेंगे सीट वन डॉट एक्टिवेट, तो सीट वन पे वो चला जाएगा कर्सर। ओके अगर आप कैप्शन नेम से जाना चाहते हैं तो सीट्स, और यहां पे मुझे लिखना होगा चैट डॉट एक्टिवेट या सिलेक्ट लिख सकते हैं, ओके ठीक है सर? ओके सर उसके बाद आता है उसका काउंटिंग। सीट्स हमने डाल दिया टू कॉमा डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। टू मतलब दूसरा पोजीशन, पहला और दूसरा। अब यहाँ पे हाँ सीट थ्री भी हो सकता है, सीट फोर, सीट फाइव, सिक्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से हाँ काउंटिंग शुरू करेगा, पहला और दूसरा, दूसरे में जो भी सीट होगा उसको एक्टिवेट कर देगा ओके सीट टू। अब एक्टिवेट और सिलेक्ट के बाद की जगह पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं। तो तीसरा आता है आपका एक्टिव सीट। तो कॉल करने के चार तरीके हैं, जैसे हमने आपको वर्कबुक बताया था, वर्कबुक्स और एक्टिव शीट बताया था ना, वर्कबुक्स के यस फाइल का नेम डालते हैं। यस ऐसे ही सीट्स के लिए चार मेथड है। अब जैसे मान लीजिए आपका कैप्शन नेम बार बार चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी जैन है, कल के दिन फैब हो जाएगा, फिर मार्च हो हाँ जाएगा, तो फिर कैप्शन नेम से चलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हर बार चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये मान बराबर लीजिए कि मैं अब अपने कोड में गया और इस जैन को मैंने फैब कर दिया फैब, हाँ तब क्या होगा सर? प्रॉब्लम हो जाएगा ये एक कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि हाँ जैन नाम का सीट है ही नहीं। तो मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी जैन को फैब में कन्वर्ट करने की, हाँ तब चलेगा। बट हाँ कैप्शन नेम प्रॉपर्टी नेम अकॉर्डिंग चलते हैं, आप देख सकते हैं कि फैब जो हुआ है ब्रैकेट में हुआ है, इसका प्रॉपर्टी में नहीं हुआ। प्रॉपर्टी में एक प्रोग्रामर ही चेंज कर पाएगा, हाँ नॉर्मल आदमी चेंज नहीं कर पाएगा, ओके राइट सर? हाँ सर अब बात करते हैं कि हम कैप्शन नेम से कब चलते हैं, जब हमारा सीट फिक्स ना हो, जैसे कि डेटा, समरी, रिपोर्ट, ऐसे एक ग्लोबली कॉमन नेम होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ना कि ए आपका फैब, तो ही मान लो डेटा था, राइट? आपने क्या किया, इसको डिलीट हाँ कर दिया, एक नई सीट इंसर्ट की, उसका नाम डेटा रख दिया आपने। अब यहां पे हमारा जो कैप्शन नेम है ये वर्क नहीं करेगा, इस प्रॉपर्टी नेम वर्क नहीं करेगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि देखिए सीट वन है ही नहीं, पर कैप्शन नेम वर्क करेगा कि कैप्शन नेम में डेटा सीट होना चाहिए, चाहे जो जिसका उसका प्रॉपर्टी नेम कुछ भी क्यों ना हो, सीट नेम डेटा होना चाहिए, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है सीट ओके नेम डेटा। जब आपको प्रॉपर्टी नेम और कैप्शन कुछ भी पता नहीं हो तो सीक्वेंस से ज्यादा, जैसे मान लीजिए एक फाइल के सारे सीट का डेटा कॉपी करना है। अब उस फाइल के अंदर 20 सीटें हैं, और 20 सीट के अंदर जो नाम क्या, हमें क्या बना देना, उस हमें क्या पता उसके बारे में, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक ओके है? सर जी एक्टिव सीट का पता है जो सीट एक्टिवेट हो। तो सीट को कॉल कैसे करते हैं, समझ में आ गया आपको? यस सर अब सीट के ऊपर होने वाले छोटे मोटे काम देखते हैं, जैसे सीट को ऐड करना, तो सीट्स डॉट ऐड हमने लिख दिया। सीट्स डॉट ऐड लिखने से क्या होगा, कहां पे ऐड करेगा? बिफोर या आफ्टर नहीं, जो एक्टिव सीट है उसके डिफॉल्ट बिफोर ऐड कर देगा, हाँ लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर सीट के बाद करना है, मतलब कि डेटा सीट के बाद करना है, ओके तो मैं बिफोर को कॉमा से स्किप करके आफ्टर पे आ गया, हाँ यहां पे लिखूंगा सीट्स डेटा। हम सिर्फ डेटा नहीं लिखेंगे, इसका सीट का जो कॉलिंग मेथड है ना, ये मेथड इस मेथड में दे देंगे। यहां मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो यहाँ पे आप देख, 1 2 3 4 चार देता हूं, आफ्टर फोर सीट ऐड कर देगा। अब ओके क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फोर सीट बाद जो है, चार सीट बाद, चार ही सीट थोड़े होंगे टोटल, हो सकता है 8 10 20 हो। यहाँ पे सीट्स डॉट काउंट करेंगे तो क्या होगा,
आपका एक सीट को काउंट करेगा, जितना सीट होगी उसके बाद ऐड करेगा, मतलब कि ये जो कोड है वो परफेक्टली सबसे लास्ट में ऐड करेगा। और ये जो सीट ऐड हो रही है सिर्फ एक ही सीट ऐड हो रही है, और यहाँ पे काउंट है 5 दे दिया तो 5 सीट ऐड कर देगी। ठीक है, अच्छा अब सीट जैसे आपने सीट यहाँ पे किया, सीट्स ऐड कर दिया, एक नई सीट को ऐड कर लिया, तो आप उसको रिनेम कर लेंगे, क्या बोलेंगे, एक्टिव सीट सीट डॉट नेम इक्वल टू हमने डेटा कर दिया, हाँ या फिर आप यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं सीट डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू। इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, प्रैक्टिकल कर सकते आप। अब सीट ऐड हो गई, सीट को रिनेम भी करना सीख लिया, अब बात करते हैं सीट को मूव करना, मतलब डेटा सीट यहाँ है ना, उसको उठा के मुझे यहाँ पर रखना है। तो इसमें देखिए सीखिए क्या है, जिस सीट को मूव करना है उस सीट को लिखिए इस चारों में से जो कॉलिंग मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग। तो मैं मान लीजिए कि मैं प्रॉपर्टी नेम से चल रहा हूँ, सीट 5, डॉट सीट 5 डॉट मूव, मूव सीट 5 डॉट मूव लिख के छोड़ दिया, क्या होगा पता है आपको सर, इसको एक अच्छा नई फाइल में मूव कर देगा। जी क्या करेगा, नहीं मूव एंड कॉपी, और यहाँ पे न्यू वर्कबुक, एक नई फाइल में मूव कर देगा। अच्छा लेकिन मुझे इसी फाइल के मान लीजिए सीट 3 के बाद करना है, तो यहाँ पे हमें स्पेस देके लिखना पड़ेगा बिफोर या आफ्टर, आफ्टर में अच्छा सीट्स, सीट 3, थ्री राइट। यस सर उसी तरह से कॉपी है हमारा कि सीट्स 5 डॉट कॉपी कर दिया तो इसको एक नई फाइल में कॉपी कर देगा। ठीक है ओके सर, okay. हाँ इसके आगे अगर मान लीजिए मैंने लगा दिया कि बिफोर या आफ्टर, तो उसके बाद कॉपी कर देगा। हाँ ओके सर जी लेकिन मान लीजिए मेरे पास दो फाइल है, बुक 1 एंड बुक 2 है, मैं चाहता हूँ बुक 2 के सीट 3 के बाद कॉपी करें, तो यहाँ पे आफ्टर लगाइए और यहाँ पे वर्क बुक्स और यहाँ पे दे दीजिए बुक 3 डॉट एक्सेलस एक्स या एक्सेलस एम, जो भी एक्सटेंशन हो, डॉट सी, बट ये बुक 3 आपका ओपन होना चाहिए। ठीक ओके है, नहीं विदाउट इसमें सर जी ओपन होना चाहिए। अगर ओपन आपने आप से करना होगा तो फिर उधर ओपन की कमांड यहाँ ओपनिंग कमांड, इस कोड से पहले ओपन वाली कमांड डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए वो यहाँ पे लिखोगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, ओपन में आपने दे दिया पाथ स्लैश फाइल नेम, ओके सर ठीक इधर इधर मेरे को एक पूछना है। अगर वर्कबुक्स डॉट ओपन और फिर उधर ऐसा मैसेज बॉक्स आके अपन ने सिलेक्ट करी फाइल तो नहीं चल सकता क्या? होगा होगा वो भी होगा, लेकिन उसके लिए फिर वो कमांड अलग है, उसको प्रॉम्प्ट डायरेक्टली बोलते हैं। हाँ वो बाद में करेंगे। आगे ठीक है थोड़ा सर जी तो जब ओपन होगा उसके बाद वापस बुक 2 को, बुक 1 को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके सर जी जाए ठीक है, ओके सर जी क्योंकि सीट 5 तो हमारा बुक 1 पे है ना सर, लेकिन जब हम मान लीजिए जब FL फाइल ओपन करेंगे, मतलब हमने बुक 3 ओपन किया, यहाँ पे बुक 3 को ओपन कर रहे हैं हम, तो बुक 3 जो ओपन होगा तो एक्टिवेट तो बुक 3 होगा ना, सीट डॉट कॉपी करेंगे तो बुक 3 की सीट को कॉपी करेगा ना सर, बराबर इसलिए हमें वर्कबुक को एक्टिवेट भी करना होगा। ओके सर तो कॉपी करना मूव करना आ गया, जी यस सर जी अब बात करते हैं डिलीट करने का। जैसे मैंने बोला सीट 5 डॉट डिलीट, तो डिलीट ये डिलीट कमांड डायरेक्ट नहीं प्रेस होगा, क्योंकि जब डिलीट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पाएगा तरह का मैसेज आएगा। हाँ जब ये मैसेज ना आए तो उसके लिए क्या करें हम,
डिलीट से पहले एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, ओके ठीक है, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल्स इक्वल टू टू फॉल्स, राइट सर, यस सर, इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है सर जी, तो डिलीट करना आ गया, मूव करना आ गया, अब हाइड और हाइड बात करते हैं। तो सीट फाइव का मुझे विजुअल, विजुअल पे गए और इक्वल यहां एक्सेल सीट हिडन हो गया। तो ये हिडन होने पे क्या होता है, कोई भी यहां से अनहाइड करके, हाइड अनहाइड करके उस फाइल को अनहाइड कर सकता है। लेकिन अगर मैंने लिखा सीट फाइव डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल वेरी हिडन, तो वेरी हिडन जब हो जाएगा तो प्रॉपर्टी से ही अनहाइड होगा या फिर फॉर्मूला से ही अनहाइड होगा। सीट फाइव डॉट विजुअल विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट विजुअल, ठीक है, ओके सर जी। सॉरी सर, समझ आया आपको? ओ सर, यस सर, तो हमने हाइड अनहाइड कर लिया। अब सीट में पासवर्ड डालनी है, तो यहां पे लिखते हैं ऐसे सीट फाइव डॉट प्रोटेक्ट और यहां पे आप पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। यस सर, अनप्रोटेक्ट करना हो तो सीट फाइव डॉट अनप्रोटेक्ट और यहां पे पासवर्ड डाल दीजिए, ओके। तो हमने सीट को कॉल करना सीखा, सीट को ऐड करना सीखा, रिनेम करना सीखा, मूव करना सीखा, कॉपी करना सीखा और हमने सीट को डिलीट करना सीखा, सीखा, हाइड अनहाइड करना सीखा और हमने क्या सीखा, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट जनरली सीट पर इतना ही करते हैं सर। यस सर, यस सर। अभी और सर ये जो आपने बताया अभी एक्ट शीट ऐड नेम, ये तो दो मेथड हो गए बराबर, एक्टिव शीट मतलब अपन ऐसे भी चेंज कर सकते शीट, शीट अगर, नेम। अगर आपको ऐड की मतलब कोई पर्टिकुलर फाइल का रिनेम करना है तो लिखना चाहिए ना। हाँ बराबर बराबर, मान लीजिए मुझे सीट फाइव का नाम जो है सीट डेटा का नाम सीट सिक्स करना है, यहाँ पे सीट्स यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट नेम नेम इज इक्वल टू नेम इक्वल टू हम मान लीजिए इसके रिपोर्ट कर देते हैं, ओके। या दूसरा तरीका है इस सीट्स सीट फाइव, तो इसका कैप्शन नेम फाइव है ना, ये प्रॉपर्टी नेम फाइव है ना, यस सर, फाइव डॉट नेम अच्छा अच्छा समझ गए, इक्वल टू रिपोर्ट, ठीक है। यस सर जी, ये जो डॉट के बाद जो चीजें हैं वो क्या ले वो आपकी सिचुएशन में डिपेंड करती है, जो कि मैं आपको समझाया, ओके सर, यस सर, यस चारों में से कोई एक होगा, ओके सर, बाद में लास्ट में जो है जिस सब पे होता है इस पे भी होगा, ओके सर। तो सीट की कॉलिंग में थर्म समझ गया, यस सर, यस सर, अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है सर, कल हम बात करेंगे इस आगे किसी और पर, किसकी सर, इस पे प्रोजेक्ट की बात करेंगे हम इस पे, हाँ ठीक है सर, सर और एक पूछना था, अब अगर अपना मैक्रो जिसी